पेटीएम 197 कम्युनिकेशन नाम की कंपनी एक ब्रांड बन चुकी है। बताते चले कि शुरू के 5 साल में ही $1.5 बिलियन मतलब कि 95 अरब रुपए कमाने वाली कंपनी बन चुकी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर पेटीएम बनी कैसे? तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि पेटीएम के कुछ सीक्रेट्स हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा के यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे कम उम्र में दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से यूजी की डिग्री पाने वाले विजय शेखर शर्मा ने अपने परिवार के अगेंस्ट जाके नौकरी छोड़ दी थी और एक कंपनी शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसी समय से विजय शेखर सर की किस्मत बदलनी शुरू हो गई थी और अपने आप को टॉप फेमस लोगों की लिस्ट में लाने की तैयारियों में लग गए थे। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और आपको हम ये बता दें कि विजय सर की इंस्पिरेशन हैं अली बाबा के फाउंडर जैकमा और सॉफ्ट बैंक के फाउंडर मासायोशी सन। विजय सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, इनोवेटिव आइडियाज को अगर मारना है तो आप नौकरी करें और अगर उनसे रुपए कमाने हैं तो बिजनेसमैन बने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। 1998 में वे ग्लोबल कॉरपोरेट वर्ल्ड की नौकरी को छोड़कर भारत लौट आए थे और उन्होंने इंटरनेट में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था वेब सॉल्यूशन एक्सेस, जिसमें उन्होंने indiasite.net वेबसाइट बनाई थी और उस कंपनी को 2 साल के बाद उन्होंने US की कंपनी को $1 मिलियन में बेच दिया था। 2001 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशन की स्थापना की और 2 साल बाद इस कंपनी ने मोबाइल से म्यूजिक मैसेजिंग सर्विस शुरू की। 2004 में लैंडलाइन नेटवर्क से वॉइस आधारित रोमिंग भी शुरू की पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था और उनका लोन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। तभी 2005 में विजय शेखर सर ने एक सेवा लॉन्च करी जिसमें कि वे मोबाइल कंटेंट की सेवा देते थे, जैसे कि न्यूज़, क्रिकेट स्कोर्स, रिंगटोन्स, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट्स, पर इससे भी कुछ काम बन नहीं पा रहा था। फिर 5 साल बाद पेटीएम की लॉन्चिंग से 197 कम्युनिकेशन को एक बड़ा ब्रेक मिला। 1200 कर्मचारियों की पेटीएम का हेड ऑफिस दिल्ली में है। पेटीएम को ऑफिस पुणे, चेन्नई, बंगलुरु, कोलकाता क्षेत्र में है। यहाँ तक कि पेटीएम का ऑफिस तो अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और भी कई देशों में है। और हाँ फ्रेंड्स, पेटीएम मोबाइल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में रतन टाटा सहित और भी ग्लोबल निवेशकों ने $61 करोड़ निवेश किए हैं। 2015 में विजय शेखर सर ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसने भी असफलता का सामना किया हो वह समस्या के समाधान खोज सकता है। कारोबारी गठबंधन हो या सहयोगी का चयन करना हो, विजय सर का एक अलग ही तौर तरीका है। वे कहते हैं कि 2010 में मैं IPO के जरिए शेयर मार्केट से पूंजी जुटाना चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ और इस असफलता से पेटीएम जन्मा। पहले हमारी पहचान बनी रिचार्ज पोर्टल से, फिर पेटीएम सेवा से और आज हम एक बड़ा मार्केट प्लेस हैं।